साहब, कुछ मवाकों की तरफ जहां आपने इशारा किया, वहां तो पाकिस्तान की काबीना मुलाकात कर रही थी, पाकिस्तान के सियासतदान मुलाकात कर रहे थे, वो तो चलिए फिर भी समझ आती है कि आपस में पाकिस्तानी मुलाकात कर रहे हैं। ये जो अहम मुलाकातें सऊदी अरब के अंदर बात हो रही है, क्योंकि पहले भी सऊदी अरब का अच्छा खासा असर रसूख पाकिस्तान की सियासत के अंदर रहा और यूएसए भी वाया सऊदी अरब असर रसूख रखता रहा पाकिस्तान में, तो आपको लगता है अब ऐसे कोई मामला फ्यूचर के मामले में सेटल होने जा रहे हैं? क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट के तौर पर सामने आए तभी इस तरह की मुलाकातें सामने आने लग गई। ये आपके सवाल का दूसरा पहलू है। जो पहला पहलू है वो तो उसका मैंने वजाहत आपके सामने कर दी। ये जो दूसरा पहलू है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है आपके पहले सवाल से। यानी आप खासकर और जहाज भी सऊदी अरब से स्पेशल भेजा जाता है कि जनाब जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनको सऊदी अरब ले आए, और कहा यह जाता है कि जी उमरे के लिए आप गए, तो उमरे के लिए जहाज भी वहां से आना एक स्पेशल ओकेजन, जब आप देख रहे हैं कि मामलात के हद तक इर्द गिर्द उनके खतरात मंडला रहे हैं, तो ये कोई माजी का किस्सा जिसमें आपको NRO की बात शायद आप सोच रहे हो कि हाँ जी बाहर कोई जिनसे हमारी दोस्तियां हैं, जाती भी हैं, मुल्क की भी दोस्ती हमने बना रखी है, कोई ऐसे मौके पे हमें शायद कोई वहां से इस तरह की मदद मिल जाए कि हमें बेल आउट कर लिया जाए। मैं नहीं समझता ऐसा होने जा रहा है, ये खाम ख्याली है, क्योंकि वो जो जमाना NRO वाला था वो तो एक फर्द वाहद था ना, और फिर दोनों साइड जो थी उनके फवायद उनके मफादात इसमें शामिल थे। यानी अगर किसी के लिए NRO किया जा रहा था तो उसमें जो करने वाला था उसके अपने भी मफादात थे, तो आज तो उस तरह का वक्त नहीं है। यानी हुकूमत इस वक्त जो है वो तो उसी PMLN की है, और NRO अगर आप करना चाहते हैं या कुछ आप समझौता चाहते हैं तो पहली बात तो ये कि कौन वो समझौता कराएगा, किन शराइत पर समझौता होगा। अगर आप कोई समझौता करना चाहते हैं, इस वक्त जो बमबारी हो रही है, दो इदारे हैं खासकर, आपको मालूम है कि एक अदलिया है, दूसरी तरफ से आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, उनके खिलाफ लगातार बमबारी हो रही है, इन हालात में समझौते नहीं हुआ करते। ये बातचीत मुजाकरात के जरिए कुछ बातचीत की जा सकती है, मगर ये भी नहीं हो सकता कि कोई NRO के लिए कोई गुंजाइश पैदा कर ली जाए। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जो पॉलिसी है उसमें कोई कामयाबी हो सकती है। बहरहाल ये कोशिश है शायद जो उनकी तरफ से की जा रही है।